अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फास्ट बाइट। मंगलवार की रात एक ही मेरठ शहर के डाकघर की दीवार एक तरफ तेजी से झुक गई। इसे देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अनिष्ट की आशंका के चलते घरों से बाहर निकल आए। इस बीच किसी ने यह अफवाह भी फैला दी कि शहर घंटाघर की दीवार भी झुक गई है। तमाम आशंकाओं के बीच पहुंची पुलिस ने डाकघर की क्षतिग्रस्त हिस्से को सील कर वहां आवाजाही रोक दी। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि डाकघर से सटे अप्सरा कॉम्प्लेक्स में नाले का निर्माण पिछले काफी समय से धीमी गति से चल रहा है। पाइपलाइन फट गई है लेकिन किसी का ध्यान इधर नहीं है, जिस कारण डाकघर की जमीन धसने से बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे की ओर गिर गया है। देखिए, इस बारे में मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहराबुद्दीन मलिक। क्या मामला हुआ? ये मामला ये हो गया, 5-6 महीने हो गए पानी भरा हुआ है, पाइपलाइन फटी आती है बार बार। कई बार क्या इन्होंने सही भी कराई लेकिन पानी जो रीस रीस के डाकखाने में हो गया। अब ये डाकखाना पूरा बैठ गया। ये हमारे इसके सामने मोहल्ले मकान है, ये गिर रहा है तो हमें लोगों को खतरा हो रहा है। अब इन्हें बुलवाया गया तो ये खोद खाद के जो अपना जैसा मर्जी कर रहे हैं। मीडिया भी आई थी, मीडिया को भी मना कर रहे थे, फोटो वोटो मत खींचो भैया, मत करो ये मत करो। तो ये तो पूरे मोहल्ले को दिक्कत है इस चीज़ से। अब परेशानी उठा रही है, ये धूल मिट्टी सब जो है 6-7 महीने हो गए जो हम लोग सब परेशानी उठा रहे हैं। किसकी लापरवाही माने? बस लापरवाही किसकी माने जी, जो बना रहे उन्हीं की लापरवाही, और किसकी लापरवाही माने। बस शिकायत नहीं करी, चल भाई जो काम हो रहा होने दो, चलो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो है बिल्कुल ही मकानों पे आन पड़ी, आज जान पे आन पड़ी, तो इस वजह से आज बोलना पड़ रहा, वरना सब चुप ही बैठे हुए थे। ये अप्सरा से सिनेमा के नीचे जो खुदाई हो रही है ना, तो हमारी पाइपलाइन के नीचे से मिट्टी हट गई है, तो जैसे जैसे सपोर्ट हट रहा है तो पानी की लाइन यदि टूट जाती है उधर मिट्टी खिसकने से, तो पहले तो यहाँ तक लोहे की लाइन डलवा दी जहाँ तक ये अप्सरा का काम चल रहा है, तो उसी के बराबर में पोस्ट ऑफिस की दीवार है, तो अब वो वहाँ से टूट गई थी जिसको तत्काल जो दोनों तरफ से बंद करा दिया गया। ठीक है, काफ़ी पुराना पोस्ट ऑफिस है और जिस तरीके से दरारें आई हैं तो क्या इस तरीके से रोक दिया जाए? नहीं, वो तो बिल्डिंग ही पुरानी है, आप देखिए व्यू दिख रहा है आपको, पुरानी जो है बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के बारे में हम पूछते हैं, हमने पानी की लाइन अपनी बंद करा दी है, दोनों तरफ से पानी बंद करा दिया। पानी की कहाँ? वो बिल्डिंग का एक्चुअली बिल्डिंग बहुत पुरानी है, क्योंकि इसके बराबर में बहुत दिन से काम चल रहा है ना, तो उसके अंदर वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो उन्होंने अपना पंप लगाया, वो निकाल दिया गया पानी उनके द्वारा, अफसर वालों के द्वारा, क्योंकि बेसमेंट बन रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेसमेंट बन रहा है। तो हमने, मेरा नाम तो सहायक अभियंता सुशील कुमार है, हम लोगों ने यहाँ तक लोहे की लाइन डलवा भी दी, अब देखा जाएगा आगे भी लाइन डलवाएंगे। किस पोस्ट पर? मैं सहायक अभियंता जलनगर। शकील है। मामला यही है, अफसरा का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ ना ये, तो देखो असल में 8 मंजिल इन्होंने बना दी हैं, अब इसमें इंजीनियर जो हैं लापरवाही तो करी दीजिए। डाकखाना जो है 45 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, अब ये डाकखाना जो है ना, क्योंकि इन्होंने बेसमेंट बनाया जो भी बहरहाल है, तो ये अब ये अचानक ही बैठना शुरू हो गया। अच्छा, अब ये क्योंकि इसमें ये तो टोटल डैमेज हो चुका है डाकखाना, ये किस वजह से हुआ? ये इसी वजह से हुआ क्योंकि वो जो अप्सरा सिनेमा की नींव खुदी है ना, तो नींव खुदने से देखो सबसे पहले आसपास ही फर्क पड़ता है, पुराने जल भराव देता था। हाँ, वो जो सरकारी नाला बना है ना जल भराव, तो उसकी वजह से हुआ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं अफसरा वालों की। हाँ, वो जो डाकखाना बंद, वो जो सरकारी नाला ढका है ना, तो वो पानी जो है वो पीछे आ गया, तो वहाँ पे क्योंकि उसका रिसाव नहीं कर पाए, इसमें ना अफसरा सिनेमा वालों को जो है ना सतर्कता बरतनी थी, वहाँ ये मारा। आज मामला यही है कि बस पाइपलाइन फट गई और इसे ये अफसरा जो ये पूरा डाकखाना डैमेज हो चुका है, नीचे कम से कम 3 फुट बैठ चुका है पूरा डाकखाना, काफ़ी डैमेज हो गई दरार। हाँ, ये तो नया कंस्ट्रक्शन होगा, पूरा टूट के नया दोबारा बनेगा कम से कम।
आने तो यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।